हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आकाश पांडे। आज के वीडियो में हम लोग एक सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि उस सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या सीखना चाहिए और क्या क्या उसमें हम लोग कर सकते हैं, मीन्स कहाँ कहाँ पे करियर बना सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर है टेकला। आपने सुना होगा टेकला सॉफ्टवेयर, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क किए हुए हैं या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्ट्रक्चर पे डिटेलिंग पे आप काम कर रहे हैं तो आपको टेकला के बारे में पता होना चाहिए। 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें हम लोग 3D मॉडलिंग, डिटेलिंग और एडिटिंग, मीन्स एडिटर, डिटेलर एंड मॉडुलर, 3 टाइप्स के जॉब पा सकते हैं। मीन्स अगर हम इसको छोटे शब्दों में कहें तो आप इसी से पूरी के पूरे सिविल इंजीनियरिंग के करियर को बिल्डअप कर सकते हो। मीन्स आप अपने एक प्रोफाइल बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ टेकला से रिलेटेड, जिसमें आप मॉडुलर, डिटेलर और एडिटर में से किसी एक प्रोफाइल पे अच्छा खासा पैकेज ले सकते हो। और अगर आप तीनों प्रोफाइल में एक्सपर्ट हो तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप किस लेवल पे जा सकते हो सिविल इंजीनियरिंग में। तो ये टेकला सॉफ्टवेयर बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। उसके कुछ वीडियोस तो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, सो आप उनको देख के सीख सकते हैं। कुछ मैं और भी वीडियो अपलोड करने की जल्दी ही कोशिश करूँगा, जिसमें अब मैं बात करूँगा टेकला सॉफ्टवेयर में तो हम लोग टेकला यूज़ क्यों करते हैं दोस्तों। तो टेकला को यूज़ करते हैं हम लोग डिटेलिंग के लिए। किसके लिए दोस्तों? डिटेलिंग के लिए। डिटेलिंग इन द सेंस, किस तरह की डिटेलिंग करता है? डिटेलिंग मीन्स जैसे कि हम लोग अगर RCC स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें पता नहीं होता कि हमारे स्ट्रक्चर में कितना, मीन्स BVS, आपने BVS तो सुना होगा, बार बेंडिंग शेड्यूल। तो बार बेंडिंग शेड्यूल तो आपने अच्छे से सुना होगा, उसको ये एक मिनट के अंदर बार बेंडिंग शेड्यूल निकाल के, एक मिनट भी नहीं लगता उसमें, ये बार बेंडिंग शेड्यूल निकाल के दे देता है। अगर मैं एक बात करूँ स्टील स्ट्रक्चर की, स्टील स्ट्रक्चर में कितने MM के कौन से बोर्ड लगाने हैं, कितने बोर्ड लगाने हैं, कितने MM के कौन से फ्रेम देने हैं और कितना वेट का कौन सा फ्रेम देना है, ये सब कुछ अगर निकाला जाए तो स्टील स्ट्रक्चर में आपकी हालत ख़राब हो सकती है। मीन्स इतना इजी नहीं होता है स्टील स्ट्रक्चर के मेंबर्स को कैलकुलेट करना। तो अगर हम लोग टेकला सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, इसमें एक छोटी सी कमांड है जिसका नाम ऑर्गेनाइजर या मल्टी रिपोर्ट जनरेटर, ऐसी ऐसी कमांड्स हैं। सेक्शन इसमें हम एक मिनट के अंदर काट सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजर और मल्टी रिपोर्ट जनरेटर जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर डिटेलिंग को एक साथ निकाल के हम एक्सेल सीट में निकाल के एक्सपोर्ट करके दे देती है। तो आप तुरंत आप उसको निकाल के यूज़ कर सकते हो। मीन्स टेकला जो सॉफ्टवेयर बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, उसकी जितनी बड़ाई की जाए उतना कम है। टेकला के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है। कुछ कंपनियाँ 2018-19 यूज़ कर रही हैं, कुछ कंपनियाँ 20 सीरीज़ 21 सीरीज़ यूज़ कर रही हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि दोनों सीरीज़ पे ट्यूटोरियल्स बनाऊँ। अगर आपको टेकला सॉफ्टवेयर सीखना है तो आप नीचे कमेंट करिए कि हाँ मुझे सर सीखना है, और साथ ही साथ ये जो मेरा ये वीडियो है इसको लोगों तक पहुँचाइए। जब व्यूज़ आते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है और आप लोग कमेंट करते हो तो लगता है इस पर वीडियो बना सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने बनाया। तो अगर आप लोग इस पर कमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली और डीप में जाके, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अगर टेकला में आपको स्टील डिटेलर बनना है तो प्लीज़ स्टील स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़िएगा, अमेरिकन और इंडियन स्टैंडर्ड्स के कोड को अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको टेकला में RCC डिटेलर बनना है तो आप RCC की बुक अच्छे से पढ़िएगा, डिटेलिंग का कोड बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जब उनको अच्छे से आप पढ़ेंगे तभी आप अच्छे से डिटेलिंग कर पाएंगे। थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही हमको बताना था कि टेकला का यूज़ क्या है और टेकला में हम लोग कौन कौन सी प्रोफाइल में जा सकते हैं। तो 3 प्रोफाइल मैंने जैसे कि आपको बोला, फर्स्ट इज टेकला एडिटर, सेकेंड इज टेकला डिटेलर, थर्ड इज योर टेकला मॉडुलर। ठीक है, तीनों जॉब बहुत ही ज़्यादा मार्केट में है। लोग अच्छे लोग नहीं है बचे हुए, ट्रेंड लोग नहीं है जो इस प्रोफाइल पर काम कर सके। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप फ्रेशर हैं या आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है साइट या डिज़ाइन का, तो आप टेकला की तरफ आइए और यहाँ पे देखिए, आपके पास बहुत खुला आसमान है। मीन्स जो पैकेज आपको चाहिए मिल सकता है और आप खुद के फॉर्म्स भी खोल सकते हो डिटेलर के जॉब पे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक करो यार, और लाइक करके सब्सक्राइब भी करो, और वहाँ पर घंटी होती है आपको बजाना है, ये सिविल इंजीनियरिंग में बजती ही है। ठीक है, तो उसको भी बजाइए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू।